हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नए वीडियो नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज 11 मार्च और मॉर्निंग ही बोलेंगे या नाइट बोलेंगे, 3:30 बज रहे हैं, नाइट के ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और आज पापा अर्जेंट में एकदम जा रहे हैं गाँव, वो भी फ्लाइट से, तो उनको छोड़ने के लिए मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ में छोटू है और पापा अकेले जा रहे हैं फ्लाइट से गाँव। तो ये व्लॉग पापा को एयरपोर्ट ड्रॉप करने का रहेगा, तो बने रहे आप लोग व्लॉग में, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाड़ी मैंने निकाल दी है और सब लोग बाहर है गाड़ी के पास। चलो रेडी, छोटू गाड़ी में चले मम्मी हम लोग। चलो छोटू, छोटू सो जा सो जा। पापा मैं हम लोग जा रहे हैं। फाइनली आ गए एयरपोर्ट के रोड पे, सामने एयरपोर्ट है, ये आ गए हम लोग एयरपोर्ट एरिया में। ये रहा एयरपोर्ट। छोटू देख लो एयरपोर्ट, सामान निकाल दो। तो दोस्तों फाइनली पापा जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली एयरपोर्ट तो पहुंच गए हैं और पापा को ड्रॉप भी कर दिए हैं, और अब यहाँ से चले जाएंगे। इंटरनेशनल टर्मिनल 2 है, अलाउड नहीं है, अंदर जाने नहीं देते हैं। जिसका टिकट है, जिसका फ्लाइट है, उसी को खाली एंट्री रहता है। तो अभी पापा को चले गए और अब हम लोग भी निकल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक यहाँ अलाउड भी नहीं है गाड़ी लगाना। तो लेट्स गो। दोस्तों फाइनली घर पे आ चुके हैं हम लोग, बहुत थक गए हैं क्योंकि रात की नींद पूरी हुई नहीं। 3 बजे घर से निकले थे और अभी कुछ 6 बजने वाले हैं, घर पहुँचे हैं, 6 बज रहे हैं। तो ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, और कुछ वीडियो क्लिप आएगी पापा की, अगर फ्लाइट में चढ़ते हुए या कुछ व्यू दिखाते हुए तो ऐड कर लूँगा वीडियो में। तो ये वीडियो इतना ही, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलूँगा आप लोग से नए वीडियो नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब मेरे लिए गुड नाइट, क्योंकि मैं जा रहा हूँ सोने, और हुआ है गुड मॉर्निंग। रुको जरा, सबर करो। हेलो दोस्तों, आज 15 मार्च इवनिंग के टाइम व्लॉग शूट कर रहा हूँ। फाइनली पापा भी आ गए गांव से वापस,
14 मार्च को, कल ही रात में आए हैं फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट थी रिटर्न में, और यहाँ से जाते समय स्पाइस जेट का फ्लाइट था, और अभी आ गए हैं फाइनली। तो दोस्तों फाइनली पापा गांव से आ गए हैं, जैसा आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा था। और पापा गांव से आ गए हैं, मैं जा नहीं पाया उनको रिसीव करने के लिए, वो अकेले ही गए थे, फिर अकेले ही रिटर्न फ्लाइट से मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के एयरपोर्ट से रिटर्न घर तक आ गए, लोकल ट्रेन से आ गए। मैं घर पे था नहीं, नहीं तो मैं गया होता रिसीव करने के लिए, मैं गया था सामान डिलीवरी करने। फिर मैं आया घर में, लेट रात हो गया था, फिर तब तक पापा भी आ चुके थे। अब मैं ये व्लॉग दूसरे दिन शूट कर रहा हूँ, 15 मार्च को और 14 मार्च को हम घर पे आ गए थे, फिर व्लॉग शूट नहीं कर पाया। दूसरे दिन इवनिंग के टाइम में व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और पापा अकेले गए थे, अर्जेंट काम था उनको, तो बुआ फूफा लोग गए थे एक दिन पहले, आप लोगों ने देखा। फिर दूसरे दिन पापा फ्लाइट से गए थे अर्जेंट गांव, फिर गांव से रिटर्न 4-5 दिन में वापस आ गए थे। क्या देख रहे हो बाबू? हाय, ये बोर्डिंग पास है। हाँ, तुम भी जाओगे ना? हाँ, ऐसे ही बोर्डिंग पास मिलेगा, टिकट है ये। हाँ, ये रहा बोर्डिंग पास स्पाइस जेट का, 10 मार्च को जो गए थे यहाँ से, 10 मार्च का जो मैं छोड़ने गया था रात के टाइम, मॉर्निंग में वही, और स्पाइस जेट का है ये, एलन कुमार सुबह का था 7:15 का, और ये रिटर्न का इंडिगो का बोर्डिंग पास है, ये रिटर्न फ्लाइट का था। ये था गोरखपुर टू मुंबई, गोरखपुर से, और ये जाने वाला था मुंबई से गोरखपुर। तो रिटर्न भी आ गए 14 तारीख को, मतलब कल ही आए थे, और 15 तारीख को आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। सोए हैं दादाजी? तो पापा फर्स्ट टाइम फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा रहा? बाबू दादाजी कैसे गए थे गाँव? ऊपर ऐसे हाथ करो ऊपर। हाँ, ये लो ये टिकट। हाँ, पूछो दादाजी को पहली बार सफ़र कैसा रहा फ्लाइट का? मज़ा आया? तो मज़ा आया, बोलो मेरे को भी लेके चलो। आप नहीं जाओगे? डर लगता है क्या? ए मज़ा आता है, डर नहीं लगता है। अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं जाना तुम खाली ट्रेन से चलना, तुम फाड़ो नहीं, रहने दो। दादी जाएगी? दादी भी नहीं जाएगी? जहाज देखे हो बाबू आप? यहाँ नहीं देखे हो? तो पापा मज़ा आया फर्स्ट टाइम फ्लाइट एक्सपीरियंस? हेलो, रख दो बाबू उसको, रख दो। दोस्तों फाइनली अब ये वीडियो, ये व्लॉग मैं यही एंड करता हूँ, और ये व्लॉग को फर्स्ट वाले व्लॉग से मैं ज्वाइंट कर दूंगा, क्योंकि वो भी छोटा वीडियो था, ये भी छोटा वीडियो है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलूंगा नए वीडियो नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।